यह एक किसान का फार्म हाउस है जहां पर इन्होंने इस वाटर पॉन्ड से खेती कर रहे हैं। इसके साथ साथ इन्होंने अनार के पौधे भी लगाए हुए हैं। पानी बिल्कुल खारा है, इस वजह से ये स्टोरेज कर रहे हैं। और उधर वो है, अनार की पैकिंग हो रही है। सबसे बड़ी चीज़ देखने वाली ये है कि ये इन्होंने देखो गोबर की सलरी का लिए इतना पूरा बनाया हुआ है। यहाँ पर जितना भी गोबर है वो आ जाता है, और उसके बीच इन्होंने इतने बड़ा बनाने के बाद यहाँ इन्होंने एक पाइप लगा रखा है, इसमें जाली लगा रखी है। इस जाली में से जो लिक्विड होता है वो इसमें आ जाता है, और फिर यहाँ से सीधी वेंचुरी के माध्यम से खेत में अनार के पौधे लगाए हुए हैं 8,000 वहाँ पर भेज देते हैं। इस प्रकार से इन्होंने बना रखी है। सबसे बड़ी चीज़ देखने वाली है यह, इन्होंने प्याज भंडारण इकाई बनाई हुई है। इस इतनी बड़ी प्याज भंडारण इकाई है, इसके अंदर इन्होंने क्या किया, जो गौशाला है वह बना दी। गौशाला के अंदर यह यहाँ अपनी 7-8 गायें बांध देते हैं। ये इस प्रकार से इन्होंने गायें बांधने का गायों का पक्का फर्श बना वगैरह है जो बना रखा है। इस प्रकार से ये इन्होंने लाइनिंग बना दी, और उसके माध्यम से जो गोबर है वह इस पाइप से माध्यम से इस कुंडी में आ जाता है। इस कुंडी में आने के बाद मिक्स करने के बाद यह जो गोबर है वो इस टैंक में डाल दिया जाता है, और सीधा पूरी लिक्विड सलरी है वो दी जा रही है। ये देखिए बहुत ही शानदार दृश्य है इनका खेत का। शायद अपन भी इसको मॉडल को अपना ले तो बहुत फ़ायदेमंद रहेगा।